कपाट खोलने की घोषणा की। सब दर्शनार्थी खड़े हो गए, कृष्णदास जी के भी नेत्र लाल पड़े थे। जैसे ही कपाट खुले तो क्या पाया, ठाकुर जी के उर्ध बाहु के ऊपर वही फल रखा जाता जो कृष्णदास जी लेकर के आए। रसोईया लाता, उससे पहले ठाकुर जी रसोई घर में जाके ले आए उस फल को और अपनी भुजा में ला करके धारण कर लिया। जैसे ही ये दृश्य कृष्णदास जी ने देखा, मूर्छित हो गए, भाव में प्रवेश कर गए और ठाकुर जी के बार बार बलैया लेने लगे। जय हो नाथ, साचो प्रियतम आप ही हो। संसार के प्रेमी लोग, कितना भी प्रेम का आप उनके सामने बखान कर दो, कितना भी अपना प्रेम उनके सामने उजागर कर दो, कभी ना कभी उसका त्याग कर देंगे, लेकिन ठाकुर जी आपके प्रेम को हृदय से लगा करके रखते हैं। इसलिए मैं कथाओं में कहा करता हूँ, ठाकुर जी को 56 भोग प्रिय नहीं, ठाकुर जी को इत्र प्रिय नहीं, ठाकुर जी को चंदन प्रिय नहीं, ठाकुर जी को दुनिया भर की पोशाक प्रिय नहीं, सोने चांदी हीरे जवाहरात प्रिय नहीं, अपने प्रेमी भक्त का भाव प्रिय। उसका भाव कैसा, उसका भोग ठाकुर जी लगाते हैं। 56 भोग है, इससे ठाकुर जी को कोई अभिप्राय नहीं।